हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमाज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़े की बनने वाली है। वैसे मैंने कुछ पहले भी सर्दियों के हवाले से बनाई हैं, जैसे कि हमने तिल के लड्डू बनाए हैं, अलसी के लड्डू बनाए हैं और ड्राई फ्रूट उसमें ऐड करके बनाए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारे लिए भी अच्छे होते हैं, हमें सर्दियों से बचाते हैं। आज मैं ऐसी पंजीरी बनाऊंगी और ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करूंगी कि आप लोग को पसंद आएगी। वैसे बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार करेंगे, तो आप रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक कप मखाने ले लिए, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और इसको ड्राई रोस्ट ऐसे करना है कि ये कड़क हो जाए। जब तक ये कड़क नहीं होते, लेकिन चूल्हे की फ्लेम जो है वो आप लो रखेंगे, अगर हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे, फिर इनका टेस्ट सही नहीं आता। तो चूल्हे की फ्लेम लो रखनी है और ऐसा ऐसा इनको हमने कड़क करना है। ये देखिए मखाने हमारे कड़क यानी क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह हो चुके हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अभी इसमें बादाम ऐड कर देते हैं। इसमें घी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही, इसको हमने पीसना है तो फिर वो मुश्किल होती है, चिकने चिकने हो जाते हैं। तो ये मैं अखरोट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी मूंगफली है और साथ ही मैंने ये पिस्ता ले लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी ड्राई रोस्ट करना है, 1 से 2 मिनट के लिए इनको रोस्ट करना है। ये अच्छी तरह मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट किए हैं और चूल्हे की फ्लेम मैंने लो रखी है, क्योंकि ये जले ना, इसका टेस्ट भी अच्छा रहे और इसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खाने में ये क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। लेकिन लेडीज़ के लिए ये ज़रूरी है, ड्राई फ्रूट वैसे भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि औरतों के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बच्चों को संभालना है, उनके कपड़े तैयार करने, उनको स्कूल बच्चों को भेजना, तो सारा दिन के उनके इतने काम होते हैं तो बेचारी थकी थकी रहती हैं। तो इस वजह से आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये मैंने काजू और चारों मग ले लिए हैं, इनको फ्राई कर लेती हूँ। इनको भी हल्की आँच पर फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। 2 खाने के चम्मच ये मैंने अलसी ले ली है, ये इसमें ऐड करेंगे और इसको साथ ही फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसको मैंने हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। अलसी जो है पंजीरी में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्म होती है। वैसे पिनियों वगैरह में तो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उसके साथ हम दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये पंजीरी तो वैसे ही मेरे घर में तो बहुत ही खाई जाती है। सर्दियों में पता नहीं 4 से 5 दफ़ा बन चुकी होती है। अभी 2 दफ़ा तो मैं बना चुकी हूँ, देखा है आपने कितनी सर्दी आई हैं, लेकिन मैं 2 दफ़ा बना चुकी हूँ। तो इसमें अलसी आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे घर में खाने वाले हैं तो ये गर्म बहुत होती है। तभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने ये तिल ले लिए हैं, तिल रोस्ट कर लेती हूँ। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी पे है, आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम पसंद है तो कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, देखिए हमारी नज़र के लिए, हमारे दिमाग के लिए, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, चारों मग्स हैं, सब अच्छे हैं। ये तिल है तो तिल हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे होते हैं, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं इनको भी इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लेती हूँ। ये तिल हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये आप कलर इसका देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहता। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये मैंने नारियल ले लिया है, इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये मैंने क्रश किया हुआ बाजार से मंगवाया है, लेकिन आप कद्दूकश के साथ भी कर सकते हैं। इसको भी बिल्कुल हल्की आँच पर इसको फ्राई करना है, जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं होता, लेकिन इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा इसका कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं नारियल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसका भी ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसे कलर होता है, इस तरह ये आ चुका है, तब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये 3 चम्मच मैंने सौंफ ले लिए हैं, इसको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। लेकिन सौंफ ऐड करने ज़रूरी हैं, आपको पसंद है नहीं पसंद इसकी और बात है, लेकिन ये बच्चों की नज़र के लिए, हमारी नज़र के लिए, जिनके सर में दर्द रहता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी कि इनका कलर चेंज हुआ है, कैसे मैं कितने टाइम में इनको रोस्ट करती हूँ। सौंफ हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट में ये फ्राई हुए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये 1 कप मैंने सूजी ले ली है, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है,
आंच तेज नहीं करनी है। ये देखिए सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी इसी लाइट गोल्डन कलर आया है, ज़्यादा इसका ब्राउन कलर नहीं करना। और इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट लगे हैं, बिल्कुल चूल्हे की आंच जो है वो मैंने हल्की रखी हुई थी, मीडियम लो रखी हुई थी। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, बेसन को छान लिया है, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। बेसन की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गंदम का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है और जौ का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्राइड चने मिलते हैं आप उनको भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बेसन भी हमारा फ्राई हो चुका है, ये 3 मिनट लगे हैं तो ये फ्राई हो चुका है। इसकी ये है कि इसका कलर ही ऐसा होता है, वैसे पहचान ना हो तो जब ये फ्राई होता है तो इसकी खुशबू आने लग जाती है। तो अभी ये फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए गोंद हमारी फ्राई हो रही है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और ये भी क्रिस्पी हो जाती है, जैसे हमने मखाने क्रिस्पी किए थे ना, ये भी इसी तरह हो जाएगी। ये जितने ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने ये देखें दरदरा सा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया। ये गोंद को भी मैंने इस तरह बारीक पीस लिया है, जैसे ये देखें ये चीनी की तरह है, इस तरह मैंने पीस लिया है। ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स जो गार्निश के लिए रखे हैं इसको मैंने थोड़ा सा घी ऐड करके 1 चम्मच, तो इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया दोबारा। ये 300 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया, ये इसमें ऐड करेंगे पैन में, और 1 कप ये पानी ऐड करेंगे, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसे पहले छान लेते हैं, इसमें अगर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है तो वो निकल आएगा। ये देखिए इसे आराम आराम से छानना है, कुछ कचरा वगैरह होगा तो वो पैन में रह जाएगा, कुछ छनी में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पैन में कचरा है, मैं दूसरा में गिरा देती हूँ, और ये देखें ये छनी में भी है। ये देखें जब दोबारा पैन में ऐड करेंगे तब भी हम ऐसा ऐसा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कचरा है तो वो नीचे रह जाएगा। सफाई का खास ख्याल रखा करें, आपने अपने बच्चों को खिलाना है, और मैं इसलिए ये चीज़ें बताती हूँ कि जो भी बनाने वाला है वो इसी तरीके से बनाए और अपने साफ हाथों से बना के अपने बच्चों को खिलाए। ये देखें इसमें भी कचरा आ गया, तो अभी इसको मैं चाशनी तैयार हो चुकी है। इसका एक तरीका यही होता है कि ऐसे ऐसे चेक कर लें, ये जो कतरे गिर रहे हैं ना तो आखिरी कतरा देर से गिरे, ये आप देखें ये देर से गिर रहा है, तो चाशनी हमारी तैयार है। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, इसमें घी ऐड करेंगे हम 1/2 कप ऐड करेंगे, फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम दूसरा भी ऐड कर देंगे। ये घी मेल्ट हो चुका है तो अभी इसमें हम ये सूजी जो हमने फ्राई करके रखी थी ये इसमें ऐड कर देते हैं, तो साथ ही इसमें ये बेसन भी हमारा फ्राई हो चुका था ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अभी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सूजी और बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अभी इसमें हम डाल देते हैं ये जो हमारी गोंद थी ये डाल देते हैं, और ये जो हमने सौंफ लिए थे इसको हमने इस तरह पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था, कि जिसको खाना पसंद नहीं होते तो उसके लिए मुश्किल होती है, इस वजह से हमने पाउडर बना के इसमें ऐड कर दिया है कि आप इतने महसूस भी नहीं होंगे और इसके फायदे भी हम हासिल कर लेंगे। अभी इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखे थे ये इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी हर चीज़ हमारी रोस्टेड थी, हमें और रोस्ट नहीं करना, बस गर्म करके हमें इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये इलायची पाउडर मैंने थोड़ा सा ले लिया है, ये मैंने खुद बनाया, 8-10 इलायची ले लें, उसके दाने ना निकालें, साबुत इलायची लेके उसे आपने क्या करना है फ्राई कर लेना है, फ्राई करके फिर उसे पीस लेना है, तो इतना अच्छा इलायची पाउडर बन जाता है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। अब बाजार से जो लेते हैं उसकी इतनी प्यारी खुशबू नहीं होती, खुदा जाने वो कैसे पीसते हैं, लेकिन आप अपने हाथ से जो चीज़ बनाएंगे तो खुद भी मुतमिन रहेंगे। ये न्यू मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका जिस्म का मसला होता है, वैसे भी उनको वीकनेस होती है लेकिन उनको मोटापे का भी होता है, फिर उनको पराठे बना के खिलाओ, हलवे बना के खिलाओ, तो उसके लिए अच्छा नहीं होता उनके लिए। तो आप इस तरह करें, ऐसी पंजीरी बनाएं, वो खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं तो बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, आप खुद भी खाएं तो ये बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर बना के खाएं। इलायची पाउडर आप खुद बनाया करें, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे मैंने ऐड किया है तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 8-10 इलायचियाँ ले लें, उसको इस तरह नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि दाने निकाल लें और उसका बना लें पाउडर, नहीं ऐसे नहीं करना,
पूरी इलायची लें, उसको फ्राई करें, फ्राई करके फिर उसे पीस लें तो आसानी से वो पीस भी जाती है, उसका पाउडर तैयार हो जाता है, तो वो आप लोग इस्तेमाल करें। देखिए घी का मैंने आधा कप ही इस्तेमाल किया है, अगर ज़्यादा करें तो फिर खाने में ऐसे चिपचिपी लगती है, पंजीरी अच्छी नहीं लगती, तो इसमें मैं और घी ऐड नहीं करूँगी। आप लोग अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही ऐड करूँगी। और अभी जो हमने चाशनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये चाशनी हमारी, इसको ऐड करके अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है और जब तक ये ठंडी नहीं होगी तो इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे, एक से दो मिनट हमने अच्छी तरह से इसे चम्मच चलाते रहना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये पंजीरी हमारी ठंडी हो चुकी है तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। पंजीरी हमारी तैयार है और आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी टेस्टी बनाई है, कितनी मज़े की बनाई है और मेहनत से बनाई है। और आप भी बनाएं घर पे, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे जिनसे मैंने ये गार्निश कर दिए। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में ये इतनी टेस्टी है, आप बच्चों को बना के खिलाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें ज़रूर बना के खानी चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती है, हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है। दर्द वगैरह जिनकी कमर में दर्द रहता है या हड्डियों में दर्द होता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और बच्चे स्कूल वगैरह कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए आप दो चम्मच सुबह खिला दें तो वो सर्दी से महफूज हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी होती है। आप बना के ज़रूर बच्चों को खिलाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को ये हमारी पंजीरी की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।